खरगोन जिले के कसरावत के थाना प्रभारी माधव सिंह ठाकुर द्वारा बताया गया मुखबिर की सूचना के आधार पर अहिल्यापुरा पानी की टंकी के पास में अवैध हार्ड भट्टी शराब बनाए जा रहे हैं। मुखबिर द्वारा बताया गया स्थान पर थाना प्रभारी कसरावत द्वारा अपनी टीम के साथ में छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें मौके से 50,000 मूल्य का शराब बनाने का लहान व अन्य सामग्री जब्त की गई है। साथ ही दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं इनके पास से लगभग 160 लीटर अवैध शराब जब्त कर नष्ट की गई है। साथ ही अवैध शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। आज पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलेंद्र सिंह चौहान साहब के निर्देश में अवैध शराब की धरपकड़ के अभियान के तहत कसरावत पुलिस को सूचना मिली कि अहिल्यापुरा टंकी के पास नाले में अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। इस पर पुलिस टीम का गठन कर दबिश दी गई, जिस पर हाथ भट्टी की शराब बनाते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मनोहर पुनिया माधवी जाति बारू तथा प्रताप पिता पदम वास्कर पांडवा अहिल्यापुरा का, जो अवैध शराब बनाते हुए पकड़े गए। इनके पास से करीबन 80 लीटर महुआ हाथ भट्टी शराब जब्त की गई और करीब 500 लीटर महुआ लहान को नष्ट किया गया। वहाँ पर और कुछ लोग थे जो पुलिस को देखकर भाग गए, जिनके संबंध और पूछताछ की जा रही है। नहीं, इस प्रकार का कोई मैटर नहीं है। उनके द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है तथा पुलिस विभाग द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और अवैध शराब बनाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसमें मैं आम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हाथ भट्टी की जो शराब है उसको ना पिए, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। और जिस प्रकार से ये हाथ भट्टी की शराब बनाई जा रही है वो काफ़ी अमानक स्तर पर बनाई जा रही है। इस संबंध में लोगों से अपील की जा रही है कि जो महुआ शराब है और जो बोतली में शराब दिख रही है उसको उसका सेवन ना करें। इसके लिए भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही ढाबों पर लगातार दबिश देकर 5 बोतल शराब के बनाए गए थे और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी है। खरगोन जिले के कसरावत तहसील से अबरार पठान की रिपोर्ट।